दोस्तों, अभी बहुत ही जल्दी नार्जो की तरफ से आपको दो नए स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, नार्जो 20 और 20 प्रो। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन असल में नार्जो 10 का सक्सेसर होने वाला है और इनके अंदर आपको बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका डिजाइन की बात करें तो हमें लगता है कि इसका डिजाइन आपको एकदम सिमिलर देखने को मिलेगा नार्जो 10 जैसा, लेकिन यहाँ पर कलर और टेक्सचर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और इसका डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस बार आपको नार्जो 20 सीरीज के अंदर 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर नार्जो 20 होगा, इसके अंदर आपको फ्रंट में एक नॉच देखने को मिल सकता है फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए। और जो नार्जो 20 प्रो होगा, यानी कि जो प्रो मॉडल होगा, इसके अंदर आपको पंच होल देखने को मिल सकता है फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए। तो ये दो डिफरेंस आपको शायद इन दोनों फोन में देखने को मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बहुत ही अच्छा पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें पिछले बार के नार्जो 10 के बारे में, तो उस फोन में आपको मीडियाटेक का एक प्रोसेसर देखने को मिल रहा था, मीडियाटेक हीलियो G80 के साथ। और इस बार नार्जो 20 के अंदर आपको मीडियाटेक हीलियो G90 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियसली इसमें आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा नार्जो 10 के मुकाबले। और इसके प्रो मॉडल के बारे में बात करें तो नार्जो 20 प्रो के अंदर आपको मीडियाटेक हीलियो G90T का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो इससे भी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। तो मुझे जहां तक लगता है कि नार्जो 20 सीरीज में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और इसके कैमरे के बारे में बात करें तो यहां पर दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको नार्जो 20 के अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिलेगा। और जो नार्जो 20 प्रो होगा, इसके अंदर आपको शायद 64 पिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिल सकता है। और बाकी जो स्पेक्स हैं वो आपको सेम देखने को मिलेंगे, जैसे 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दोनों ही फोन में आपको मिल जाएगा। और रही बात इन दोनों फोन्स के बैटरी की, तो पिछले बार जैसे आपको नार्जो 10 के अंदर 5000 एमएएच का बिग बैटरी देखने को मिला था, और इस बार हमें ऐसा लगता है कि नार्जो 20 सीरीज के अंदर आपको थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। यानी कि इस फोन में आपको 4500 एमएएच का बैटरी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर Realme शायद इस फोन में प्राइस कट करने का कोशिश जरूर करेगा। तो देखते हैं कि इन दोनों फोन्स में कितना एमएएच का आपको बैटरी देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी दोनों ही फोन में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा, और वो भी टाइप सी पोर्ट के साथ। तो नार्जो 20 सीरीज में आपको क्या क्या कंफर्म स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, इनके बारे में मैं आपको आने वाले दिनों में जरूर अपडेट दे दूंगा। और अगर हम बात करें कि नार्जो 20 सीरीज का प्राइस कितना हो सकता है, तो आपको पता होगा कि अभी नार्जो 10 आपको देखने को मिलता है 12000 के आसपास। जी हाँ, 12000 में अभी आपको नार्जो 10 देखने को मिलता है। और मुझे जहां तक लगता है कि आपको नार्जो 20 का जो बेस वेरिएंट है, ये आपको 13 से 14000 के आसपास देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। और अगर हम बात करें नार्जो 20 प्रो के बारे में, तो अभी इसके बारे में हम गेस नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली इसके अंदर क्या क्या स्पेक्स होंगे ये अभी तक हमें कंफर्म नहीं पता है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ ही दिनों में अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।